तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ कि आप कॉइनेक्स से कोई भी आप कॉइनेक्स से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो कॉइनेक्स से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंसेस में जाके आईएनआर वॉलेट में जाना पड़ेगा। आईएनआर वॉलेट में जाने के बाद आपको दिखेगा डिपॉजिट में कि आपको यूजर नेम, कोई सा भी यूजर नेम भर दीजिए और उसमें अपनी यूपीआई आईडी डाल दीजिए जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे डालना चाहते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, फिर नया अपना जो भी बैंक अकाउंट है वो ऐड कीजिए जिसमें आपको पैसे चाहिए। ऐड क्लिक करते ही आप विड्रॉ पे क्लिक करके न्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी 90,000 रुपए है तो मैं 80,000 निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप 1,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक एक दिन में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 80,000 पे ले जाके पॉइंटर को छोड़ दीजिए। अब 80,000 में फिर आप अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको अपने पैसे डलवाने, यूपीआई आईडी सेलेक्ट कीजिए, गूगल ऑथेंटिकेटर से मोबाइल डिवाइस से ऑथेंटिकेशन कोड डालिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वो आपके लिए डिपॉजिटर ढूंढने लग जाएगा। जैसे ही उसे डिपॉजिटर मिलेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि ये मेरे को 50,000 का और 30,000 के दो अलग अलग डिपॉजिट्स होंगे। यहाँ पे आप चैट्स में से भी देख सकते हैं, जैसे कि उसने लिखा है हाय मैं यूपीआई कर रहा हूँ, तो आपने लिख दिया ओके। अब उसने लिख दिया कि ये डन हो गया, तो वो कह रहा है तो मैं लिख देता हूँ आई एम चेकिंग। तो जैसे ही मैं चेक करूंगा अगर मेरे पास पैसे आ गए होंगे तो मैं यहाँ पे मार्क पेमेंट एज रिसीव्ड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मेरे पास पेमेंट आ गए हैं मैं यहाँ पे इसे कट किया और मैंने यहाँ पे मार्क पेमेंट एज रिसीव्ड पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करते ही मैंने डाल दिया कि मेरे को कितना अमाउंट मिला है और ऑथेंटिकेटर कोड से वेरीफाई करके सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और अब ये 30,000 वाला भी मेरे पास आ गया तो मैंने उस पर सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया और मैंने अपने पैसे बैंक में निकाले।